नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम उषा देवी है। उषा एक आशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज ऐसे परिवार से मिलने आई हूँ। दोस्तों, आप लोगों को आज ऐसे परिवार से मिलाएंगे जो महिला है और एक आंख से देख नहीं पाती, फिर भी अपने कालीन की बुनाई कर रही है, कैसे भी अपने परिवार को चला रही है। नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया। नमस्ते। अभी खाना बनाया क्या दीदी? बोल रहे अरे दीदी रो मत, सब भगवान सब था। अब दोस्तों, मैंने दीदी से पूछा कि आप अभी खाना बनाए, इसीलिए रोने लगे क्योंकि इनके पास सब सारा कुछ भीग चुका है बरसात से, और खाना भी बनाकर खाने इसमें एक बज रहा है। तो सोचो दोस्तों, जिसका बेटे और पति लोग खाना नहीं खाएंगे, उनकी माँ के ऊपर क्या बीतेगी कि सब कुछ मतलब थोड़ा बहुत जो जुटाती हैं बना नहीं पाती, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे वहीं भी बना कर रखी हैं। अभी क्यों खाना दी है अपने पति को? तो दीदी आप रोए मत, भगवान सबका दिन लौटे ही। अल्लाह पता है, सब भीज के गलीचे भीज के सब कुछ भीज के पास लकड़ी ना ही पाए, कैसे बना किया बाल बच्चे गलीचे पिन बिन दवाई देकर करा था। तो वही दीदी दोस्तों कह रहे हैं कि मेरा गलीचा बिनती है और वह भीज गया है, और इन्हें लकड़ी भी भीज गया है, गल्ला पताई सब भीज गया है। इसलिए मैंने दोस्तों सुना है, इसलिए मैं दीदी के पास आई हूँ। दोस्तों आप लोगों से मतलब हमारे गांव दोस्तों बहुत ज़्यादा बारिश आजकल हो रही है, और 3 दिन से दीदी कह रहे हैं कि मैं सो नहीं पा रही हूँ, रात भर मैं जागती हूँ और पानी बुड़ जाता है पूरा, मैं उसको हटाती हूँ, अपने सामान लेकर यहाँ वहाँ पर बैठती हूँ। दी आपका नाम कब है? फुल कुमारी। आप कितने बच्चे हैं? एक लड़की एक दो लड़कियाँ। दो लड़का एक लड़की है। तो बिटिया अपन यही है? पढ़ाई जाते हैं? पढ़ाई ना, जब बिना पैसे नहीं सकत कैसे पढ़ाई लिखाई, दवाई उनके पढ़ाई लिखाई तो उनके दवाई गलाई जाए बिन दवाई करिए। तो दोस्तों यही इनकी बेटी है। कई साल खाएँ दीदी? 14-15 साल की पढ़ी, क्लास नहीं पढ़े ना? तो दोस्तों एक भी क्लास नहीं पढ़ी है ये। आप गलीचा भी नहीं? और भैया की तबीयत ना ऐसे ही रहते हैं? नहीं। कब हो बा? उनके हार्ट के मरीज का सांस फूला थे। सांस पर फूला था, हार्ट के मरीज हैं। तो कितना दिन से दवा करते हैं दीदी आप? 4 साल हो गया। 4 साल हो गया। तो दोस्तों देखिए इनका दवा चल रहा है, और सबसे ज़्यादा परेशानी दोस्तों यही है कि इनके थोड़ा सा घर की व्यवस्था हो जाएगा तो दवा तो धीरे धीरे चलता रहेगा। दवा भी बहुत ज़रूरी है, दवा तो दीदी कर रही हैं, ऐसी बात नहीं है, दवा के बिल्कुल नागा नहीं कर रही हैं, बता रही हैं। मैं दवा रेगुलर लेती हूँ, जब मुझे दवा की ज़रूरत होती है मैं तुरंत जाती हूँ लेती हूँ कैसे भी करके। तो गलीचा भी नहीं ना आपको? हाँ, गलीचा भी में दवाई दर्पण करते लड़के बच्चे जी आती आप। तो कितना दिन में आपको गलीचा वो तो ये पूरा पैसा मिला था दीदी? कितना दिन में उतरा था? 1 महीना ले ले थे, 15 दिन ले ले जैसे भी वैसा लिए। 1 महीना में उतार देते हैं? हाँ, 1 महीना 1.5 महीना जैसे भी। हाँ हाँ, तो 1 महीना में कितना पैसा होता दीदी आपके? अब ये तो मोटकी है, 2000-3000 हो गई करते। हाँ, 3000-2000। तो वो दवा में जाता और पैसा? हाँ, दवाई दे कितना लंबाई हूँ लाइन मार दे भाग के आन फिर गया फिर तंग आ गए कुछ कह नहीं पाओ तो काम ही था ना। बीमार है? हाँ, बीमार हूँ, दवाई चलाता ही। तो आपके यही घर बा क्या कौन घर बा? वहाँ घरे बखरी कच्ची रहे, वो गिरा खा रहा था, यही 3 साल हो गए मड़े थे, खे मड़ा चारा नहीं हो सका था, हाथी चारा भी काटा पाना भी वो था कर घूम नहीं सकते। तो दोस्तों एक पुराना घर था इनका, बकरी वो गिर गया है, 3 साल हो गया है, अब 3 साल से ही मड़ई में अपना बच्चे लोकर लेकर पड़ी हैं, और अपने बेटी को भी पढ़ाती नहीं है, कहीं पैसा ही नहीं है। सही बात दोस्तों, जब इनके पास इनके पति बीमार हैं, बच्चे भी बीमार हैं, और एक अकेली वह 2-3 हज़ार रुपये महीना वह गलीचा उतरता है तभी उनका पैसा होता है, उतने में पूरा परिवार कहीं मतलब अकेली यहीं देख रही हैं। घर में बैठ गए, अंदर सुवा तरफ से पानी खुला गया। तो दोस्तों देखिए मड़ाई खराब हो गई है, और यहाँ देखिए इसके नीचे ठंडी का कपड़ा सब रखी हुई थी, सब गद्दा रजाई सब भीग गया है, ये देखिए ठंडी में इनके पास सब कुछ नहीं बचा है, सब भीग खराब हो गया है।
यहाँ देखिए नीचे देख लीजिए पूरा पानी से एकदम खराब हो गया। तो ये देखिए दोस्तों पूरा पानी बुड़ गया था, ये देखिए बाह नहीं है, यहीं बैठ के यहाँ पे देखिए जो काती होती होता है कालीन यहाँ पे बुनती हैं तो यही सब पीछे रखती थी, अब ये देखिए बोरा भर के सब रखी हुई हैं। क्या करें सब तीन तीन चार चार दिन अब पानी भीज 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 बांधा कुछ लापक किया है मैं थारा कुछ पानी उधवा कर रंग गलैचिया कुछ भीज दिए। तो दोस्तों देखिए बोरा से दीदी पूरा ढक कर रखी हुई थी, कितना बढ़िया बीनी हुई है दोस्तों, और जैसे भीग जाता है तो उसका खराब नहीं खराब हो जाएगा ना। हाँ खराब तो हो गई करे 3000 बिनाई कर हुआ था दे नती अपने काट के उससे पैसा खराब हो गया था गलैचिया। महिला से आप लोग मिल सकते हैं जिसको ये दोस्तों एक आँख से दिखाई कम पड़ता है और रात रात भर जागती हैं कहीं उनका कालीन भूज न जाए और उनका मेहनत बर्बाद न हो जाए दोस्तों, इसलिए बहुत रोती हैं। तो दोस्तों देखिए थोड़ा सा ये जगह है उतने में गलैचा भी बिनती है इतनी है, यहीं पर खाना बनाती हैं देखिए एकदम सामने पर खाना रखी हैं, और जब तक बारिश होने लगती है दोस्तों खाना बिल्कुल नहीं बनाती, जब बारिश ख़त्म होता है तभी बनाती हैं। देखिए आज सुबह मौसम नहीं सही था इसलिए नहीं बनाई थी, आज देखिए 1 बजे अभी बनाई हुई हैं भी जब सही है। तो दोस्तों देख लीजिए पहले ये इनका ये देखिए गलीचा मतलब बीनी हुई थी पूरा भीग गया है, उस बार जब भीग गया था दोस्तों तो पूरा डाढ़ हो गया था इनका, और ऊपर से इनको 10,000 रुपये काती का खरीद कर भरी हैं और पैसा दोस्तों एक भी नहीं मिला, और काती का जितना जो तागा वगा होता है सारा चीज़ का पैसा इनको रिटर्न भरना पड़ा उनके पास, अब ऑर्डर भी नहीं मिल रहा था दोस्तों कैसे भी करके रोका के उसको ऑर्डर मांगे, इस बार कहीं नहीं कलेचा तुम खराब कर देती हो और मिलेगा नहीं, पर इस बार फिर लाई हैं उसीलिए रो रही हैं दोस्तों कि इस बार भी खराब हो जाएगा तो मुझे डांट भरना पड़ेगा और पैसा तो जाहिर सी बात है नहीं मिलेगा इनको। अंदर सब तो ये देखिए बगल वाली जो मड़ई है दोस्तों पूरा गिर चुकी है और थोड़ा सा यहीं एक चारपाई बिछा कर यहीं पर रहती हैं, ये व्यवस्था उसका सब तोप कर रखी हैं। तो देखिए वो बगल वाली जो मड़ई है वो गिर गई चुकी है, ऊपर से आप पन्नी डालकर थोड़ा सा रोकी है पानी का तो बगल बगल में पूरा पानी गिर रहा है। तो दोस्तों आप लोगों से अंदर से दिखाया, और दोस्तों मड़ई बहुत मतलब थोड़ा सा ढाल टाइप का है तो वहाँ पे खड़ा होकर नहीं रख सकते मतलब झुक कर ही रख सकते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को अच्छे से दिखा नहीं पाया। तो दोस्तों देखिए जितना भी दीदी मेहनत कर रही हैं और ऐसी बात नहीं मेहनत नहीं कर रही हैं, दोनों लोग जैसे उनका भैया लोग तबीयत ठीक रहता है तो दवा खा कर वो गलीचा बीनते हैं, और दीदी तो हमेशा बीनती हैं, रात में भी बीनती हैं दिन में भी बीनती हैं। तो प्लीज़ आप लोग इनके घर का जरूर व्यवस्था कर लें, मैं लोग आप लोगों से हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ दोस्तों घर में दवा दी, क्योंकि मतलब घर नहीं रहेगा दोस्तों, देखिए उस बार गलीचा उतरा था तो पूरा डाढ़ भरी हैं और एक पैसा भी नहीं मिला और उनके रिटर्न पैसा देना पड़ा, तो इस बार भी डर रही हैं कि दोस्तों उसमें पैसा कट जाएगा भीग गया है इसीलिए बहुत रो रही हैं। तो दोस्तों इनके घर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है इसीलिए अपने बेटी लोग को पढ़ा भी नहीं रही हैं। तो दीदी आप बहुत हिम्मत करत हैं, बहुत घर चलावत हैं, परिवार देखे थे, आप रो मत, भगवान अपन हैं आके पीछे साथ दें, क्यों भी भगवान बन के तुहार अगर दुख काट दे तो सब दूर हो जाए तकलीफ तुहारा, रो मत रो। तो दोस्तों आप लोग इनको देख लीजिए एक आँख से दिखाई नहीं पड़ता और फिर भी मतलब कितना हिम्मत वाला काम कर रहे हैं। दीदी कुछ कहीं है? तो दोस्तों दीदी बार बार कह रही हैं मुझे घर दिला दीजिए, मुझे घर दिला दीजिए, मुझे घर की बहुत ज़रूरत है। हाँ भैया मैं मदद दीजिए, मैं घर द्वार तक बस ही रह हाथ बिनती जो रहा था भैया मैं जुगाड़ कर घर द्वार बस। तो दोस्तों मैं दीदी के 1,000 रुपये दे रही हूँ पन्नी धरवाने के लिए, और इस पर वहाँ से लंबी सी पन्नी रख देंगी तो थोड़ा सा जो सामान है बचा रहेगा उससे मैं थोड़ा सा उपाय अपन कर उठा हो जाए ठीक बना।